तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है फेस्टिवल का दूसरा दिन। आज स्टूडेंट्स को इवेलुएट करा जाएगा, स्टूडेंट्स के मैनर्स एग्जामिन करे जाएंगे फॉरेन गेस्ट के द्वारा। मकोटो को भी इनवाइट करा गया है और ये यहाँ पर रैम्ब्रांड से मिलता है और यहाँ पीछे से एल्यूंगांड इसे गुस्से से देख रहा होता है। इसके बाद इनके पास लीसा आती है और मकोटो इससे मिलता है। ये कहती है, इतना कुछ हमारे लिए करने के बाद भी तुम मेरे हस्बैंड को गार्ड कर रही हो, इस सब के लिए थैंक्स। मैं आशा करती हूँ कि तुम यूनो और शिफू का भी ध्यान रखोगे। और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मकोटो मन में कह रहा होता है, शायद मुझे ह्यूमंस के साथ कनेक्शन बनाने चाहिए। और तभी इसके पास वही लड़की आती है जो लीमिया के किंग से मिली थी। मकोटो देख के पहचान जाता है कि बॉडीगार्ड्स डीमन है और मन में कहता है, क्या इसे ये पता है। इसके बाद ये लड़की कहती है, मुझे तुमसे बात करनी थी क्योंकि मैं तुम में इंटरेस्टेड थी। मकोटो मन में कहता है, ये मेरे लिखने से सरप्राइज नहीं है, इसका मतलब इसे मेरे बारे में पता है। अभी लड़की कहती है, मेरा नाम साइरित्सु है, मैं लॉरेल कॉमनवेल्थ की ऑफिशियल हूँ जो प्रीस्टेस और कामूरों का ध्यान रखती है। क्या तुम्हें लॉरेल के बारे में कुछ पता है। मकोटो कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इतना पता है कि प्रीस्टेस वहाँ के लोगों की स्पिरिचुअल पिलर है और कामूरो प्रीस्टेस बनने की कैंडिडेट है। और फिर मन में कहता है, लॉरेल थ्री नेशन का कॉमनवेल्थ है जो एक बन चुका है। जो वीमेन प्रीस्टेस है वहाँ की वो हाई रैंकिंग स्पिरिट से बात कर सकती है और सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल स्टेटस है उस पर। इनके नेशन सिर्फ खुद पे ध्यान देते हैं और इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती बाकी कंट्रीज़ में। इनका कल्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत जैपनीज जैसा है। अब साइरिस्तु कहती है, तुमने कहा तुम्हें लॉरेल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हो जो नेशन ने छुपा रखा था। कुजुनोहा कंपनी के साइन में दो कैरेक्टर्स हैं, वो सेज स्क्रिप्ट है। पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही लॉरेल के लोगों को इसके बारे में पता है। मकोटो कहता है, सेज स्क्रिप्ट, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। साइरिस्तु कहती है, अगर तुम सेज होते तो उन कैरेक्टर्स को समझ सकते थे। मकोटो कहता है, सेज कहलाने जितना वाइस नहीं हूँ मैं। साइरिस्तु कहती है, सेज से मेरा मतलब वाइस पर्सन नहीं है, ये वो चीज़ है जो हम दूर की जगह से आए हुए लोगों को बोलते हैं जिन पर काफ़ी नॉलेज होती है। मकोटो मन में कहता है, मतलब दूसरी दुनिया से आए लोग। साइरिस्तु कहती है, कुजुनोहा तुम सेज हो ना। मैं नहीं हूँ, मेरा फुल नेम ऐसा लिखा जाता है, कहारा साइरिस्तु। ये नाम मुझे एक श्राइन ने दिया था जो कि स्पिरिट्स को डेडिकेटेड है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह कुजुनोहा नाम से सिमिलर है, और तुम्हारा फेस भी। सेज इज ह्यूमन से डिफरेंट रेस होते हैं। मकोटो कहता है, अनफॉर्चुनेटली मैं ये सब नहीं हूँ। साइरिस्तु कहती है, हम सेजेस को प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं जिससे इस दुनिया में बुरे तरीके से ट्रीट ना करा जाए उन्हें। हम सब करेंगे तुम्हारे लिए जो कर सकते हैं। मकोटो कहता है, अगर मुझे कोई सेज मिला तो मैं तुम्हारी कंट्री रिकमेंड कर दूंगा उसे। साइरिस्तु कहती है, तो तुम हम पे ट्रस्ट नहीं करते। हमें लगता है कि जो दो हीरोज हैं वो भी सेजेस हैं, तुम्हें क्या लगता है। मकोटो कहता है, माफ़ करना लेकिन इसका जवाब मेरे पे नहीं है क्योंकि मैं उनसे कभी मिला नहीं। और अभी यहाँ से जाने लगती है और तभी कहती है, तुम्हारे स्टोर का साइन में जो पहला शब्द है कुजू, उसका मतलब मेडिसिन है। क्या मेडिसिन तुम्हारी खासियत है। मकोटो कहता है, कुजू प्लांट का नाम है, लेकिन तुम सही हो क्योंकि मुझे मेडिसिन बनानी है जो हर जगह अवेलेबल हो। ये कहती है, तुम्हें सच में सेज स्क्रिप्ट के बारे में पता है, आई होप हम दोबारा मिलेंगे। इसके जाने के बाद मकोटो कहता है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई कंट्री है जो दूसरे दुनिया के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में है, क्या इसीलिए लॉरेल इतनी अलग जगह है। नेक्स्ट सीन में साइरिस्तु लिली से मिलती है। लिली मन में कहती है, मुझे लगा ही था कि तुम कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी से मिलोगी। टोमोकी का टोमोई को लेकर ऑब्सेशन को देखते हुए मुझे कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी का कुछ करना होगा। अब साइरिस्तु बोलती है, प्रिंसेस लिली क्या किसी में आपको इंटरेस्ट आया। ये कहती है, मैं उस पर्सन में इंटरेस्टेड हूँ जिससे तुम अभी मिली। और साइरिस्तु कहती है, वो एक पर्सनल मैटर था, मेरे सबॉर्डिनेट्स ने बताया कि उसके स्टोर में मेडिसिन से अच्छी। लिली कहती है, उसके ज़्यादातर एम्प्लॉयज डैमी ह्यूमंस है और पार्ट टाइम टीचर भी है वो अकेडमी में। साइरिस्तु कहती है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। लिली मन में कहती है, इसका बिहेवियर देखकर लगता है कि कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी के साथ इसका रिलेशन गहरा नहीं है। और इससे कहती है, मुझे वहाँ से कुछ मेडिसिन लेनी थी। साइरिस्तु बोलती है, तो फिर मैं आपके लिए ले आऊँगी, एक प्रिंसेस लाइन में खड़ी अच्छी नहीं लगेगी। लिली मन में कहती है, तो ये नहीं चाहती कि मैं कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी से कॉन्टैक्ट में आऊँ। और फिर कहती है, ठीक है वैसे क्या तुम एक और काम करोगी। एम्पायर एक न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है लेकिन हमें मुश्किल हो रही है उसमें, तो तुम्हारे विजडम की ज़रूरत है। साइरिस्तु मन में कहती है, ये जा क्या रही है, एम्पायर के स्पाइस ऑलरेडी लॉरेल में है। लिली कहती है, रिसेंटली गन पाउडर का इंटरेस्ट हमारे नेशन में बढ़ गया है, मैं सोच रही थी कि तुम हमें उसकी हैंडलिंग और उसके बारे में बता दो। तो साइरिस्तु मन में कहती है, गन पाउडर ये तो मैजिक से बिल्कुल अलग है। और फिर बोलती है, मुझे जो पता होगा वो बता दूंगी। लिली मन में कहती है, ये सावधान है, टोमोकी के चार्म से ये डीमन जो कंट्रोल में है बाकी काम ये संभाल लेंगे। नेक्स्ट दिन में शिफू और यूनो की मॉम इन्हें कहती है,
रेम्ब्रांड की अच्छी रेपुटेशन नहीं है। मेरे सुनने में आया कि तुम अच्छे से बिहेव कर रही हो एकेडमी में कुछ टाइम से, लेकिन उसके पहले सही नहीं था तुम्हारा बिहेवियर। तो ग्रेजुएट होने से पहले अपनी रेपुटेशन ठीक करो। और ये डर के मारे कहते हैं, ओके मदर। नेक्स्ट दिन में मकोड और रेम्ब्रांड और उसकी वाइफ के साथ बात कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर एलियम गांडा जाता है और कहता है, ए कुजुनोहा। मकोटो कहता है, स्टूडेंट्स को मुझसे तमीज में बात करनी चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? एलियम गांड कहता है, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? मकोटो बोलता है, नहीं फिलहाल मैं गेस्ट के साथ हूँ, तुमसे कल बात करूँगा। एलियम गांड कहता है, मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स को क्रश कर दूंगा टूर्नामेंट में। ये सुनकर रेम्ब्रांड की वाइफ घबरा जाती है। मकोटो कहता है, चिंता मत करो, मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट दिन में शीगी मकोटो को याद दिलाता है एलियम गांड के बारे में और कहता है, उसे मैं देख लूँगा, मैं आपके स्टूडेंट के साथ जाने वाला हूँ आज। नेक्स्ट दिन में ये दोनों कम्पीट करते हैं कि कौन मकोटो के साथ जाएगा और लूटो जीत जाता है। और इसे देखकर टोमो यर्मियो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद मकोटो लूटो से सेज स्क्रिप्ट के बारे में पूछता है। लूटो कहता है, तुम अपने वर्ल्ड में उसे कांजी कहते हो ना? मकोटो कहता है, हाँ, क्या उन्हें जैपनीज भी आती है? लूटो कहता है, हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ी अलग है, वो एक वल्गर लैटिन जैसी स्कॉलर से यूज़ करते हैं उसका। मकोटो कहता है, अगर मैं जैपनीज बोलूँगा तो क्या वो लोग समझ पाएंगे? लूटो बोलता है, जब तक कोई हीरो तुम्हें बोलते हुए ना देखे कोई नहीं समझ पाएगा। अब मियो इसे खाना देती है और फिर टोमोए इसे दूसरी शॉप पे जाने को बोलती है, लेकिन लूटो फिर मकोटो को यहाँ से ले जाता है और ये दोनों गुस्से में आ जाते हैं फिर से। अब ये सब जा रहे होते हैं कि तभी लूटो बाहर लिली को देखता है और कहता है, मुझे कुछ याद आ गया, मेरी सीट तुम दोनों ले लो। ये सब समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट दिन में मकोटो के स्टूडेंट से टोमोए और मियो मिलते हैं और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। शिफू और यूनो कहते हैं, हमने अपने फादर से आपके बारे में सुना है, वो आपको कुजुनोहा के दो सपोर्टिंग पिलर्स कहते हैं। मियो कहती है, मुझे अच्छा लगा तुमने वहाँ खड़े उस आदमी को इंक्लूड नहीं करा। अबेलिया कहती है, सर क्या शीकी? मकोटो कहता है, मियो सही कह रही है, कॉम्बैट एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग शीकी इन दोनों के सामने कुछ भी नहीं है। ये सुन के ये सभी हैरान हो जाते हैं और फिर से यहाँ पर अब मियो और टोमोए बहस करने लगते हैं और मकोटो इन्हें शांत कर रहा होता है। नेक्स्ट दिन में मकोटो शीकी से एलियम गांड के बारे में पूछता है। शीकी बोलता है, वो लीमिया का नोबल है जिसके टाइज रॉयल फैमिली के साथ, वो सेकंड सन है होपलीस फैमिली का। तभी मकोटो कहता है, तुमने शीकी से सुन लिया होगा कि एक स्टूडेंट तुम्हें हैरेस करने वाला है और उसका रीज़न मैं हूँ, लेकिन तुम्हें खुद ही हैंडल करना होगा। ये कहते हैं, ठीक है। मकोटो कहता है, मैं तुम पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहता हूँ। और नेक्स्ट सीन में ये सभी बहुत दुखी होते हैं। अबेलिया कहती है, जिन तुमसे उन्होंने क्या कहा? जिन कहता है, डुअल ब्लेड स्टाइल यूज़ करने को मना करा है। अबेलिया कहती है, उन्होंने मुझे बो का इस्तेमाल करने से मना करा है, उन्होंने कहा है मैं मेज कैटेगरी में हूँ तो स्टाफ यूज़ करूँ। मिथ्रा कहता है, उन्होंने मुझे न्यू स्किल्स यूज़ करने के लिए मना करा है। डाइना कहता है, और मुझे सुपर इनहेंसमेंट यूज़ करने को मना करा है। इजोमा कहता है, मुझे मोबिलिटी इनकेंटेशंस करने को मना करा है। यूना कहती है, मुझे सिर्फ एक टाइप की वेपन यूज़ करने को कहा है। शिफू बोलती है, मुझे कंपोजिट स्पेल यूज़ करने को मना करा है। शिकिता भी बोलता है, कुजुनोहा ने ऐसा इसलिए करा है जिससे तुम्हारी स्किल्स बढ़िया हो सके और एक ट्रम्प कार्ड रहे तुम पे, अगर तुम सब सक्सेसफुल रहे तो वो न्यू स्टूडेंट्स को लेंगे और तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए अलाउ कर देंगे। नेक्स्ट दिन में लिली बोल रही होती है, फॉल्स, एक गिल्ड मास्टर का मर्चेंट से क्या काम? ये कहता है, मुझे वो पसंद है। लिली कहती है, क्या कुजुनोहा का एडवेंचरर्स गिल्ड साथ दे रहा है? लूटो कहता है, हम किसी की साइड नहीं लेते हैं। लिली कहती है, हमारे नेशन का हीरो बोल रहा है कि वो टोमोई को अपना बनाना चाहता है। लूटो कहता है, फिर तो वो इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी। लिली कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे हरा पाऊंगी? लूटो कहता है, नहीं। कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी से भिड़ने का मतलब है डीमंस के साथ वॉर करने जैसा। लिली कहती है, कि तुम्हारा मतलब है कि उसका डीमंस के साथ भी कनेक्शन है? लूटो कहता है, ये बस एक एग्जाम्पल था। लिली कहती है, तो मतलब टोमोई ही सिर्फ अकेली फाइटर नहीं है कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी की? लूटो कहता है, तुम्हारी खुद की वॉर जल्द स्टार्ट होगी, क्या तुम्हें यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए? लिली कहती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमने मुझे सोफिया के धोखे और डीमन रिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी पहले, तुमने मेरी मदद क्यों करी? लूटो कहता है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, तुम्हें बस अपने हीरो के साथ एक आइडियल वर्ल्ड क्रिएट करना है। लिली कहती है, तो मुझे फोर्ट स्टेला को कैप्चर करने में ध्यान देना चाहिए, अगर मुझे कोई बढ़िया नहीं दिखा टूर्नामेंट में तो मैं एम्पायर वापस चले जाऊँगी। नेक्स्ट दिन में मकोटो कह रहा होता है, नोबल्स काफ़ी टेरिफाइंग है, एक दिन से कम समय में ही वो कुछ प्लान कर रहे हैं बुरा, मैंने उनके सभी अटेम्प्ट रोक दिए लेकिन ये लोग सरदर्दी हैं। अब रेम्ब्रांड इससे बोलता है कि तुम्हें मर्चेंट गिल्ड जाना है लेकिन गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव मेरा पुराना दोस्त है तो तुम्हारे बदले मैं चले जाऊँगा। मकोटो इसे थैंक्स बोलता है।
नेक्स्ट सीन में टूर्नामेंट दिखाया जाता है जहाँ पर मकोटो देखकर निराश होता है कि डायना को यूनो से लड़ना है और जिन को मिथ्रा से, और मेज कैटेगरी के फर्स्ट राउंड में अबेलिया को शिफू से लड़ना है और विनर इजोमो से लड़ेगा। टोमोए कहती है तुम्हारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से लड़ेंगे। मकोटो मन में कहता है होपलेस कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, उन्होंने मैचेज अरेंज कर दिया अपने हिसाब से, मैं ऐसे लोगों से पहले भी निपट चुका हूँ लेकिन लगता है इस बार मैं पीछे रह गया, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, लगता है मैं अपने लिमिट तक आ रहा हूँ। और अब टूर्नामेंट स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।